A single C statement or line that accomplishes each of the following. एक C statement लिखो या एक ऐसी line लिखो जो यहाँ जो question पूछा गया उसको पूरा कर सके. चलो एक एक देखते हैं. पहला है print the message enter two numbers. एक ऐसा statement लिखना है जो ये print कर दे enter two numbers. तो होगा print f enter two numbers. इस तरह से लिखा जाएगा. अगला क्वेश्चन है असाइन द प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल बी एंड सी टू वेरिएबल ए. एक ऐसा सी स्टेटमेंट लिखना है जिसमें बी और सी का मल्टीप्लिकेशन है वो वेरिएबल ए को असाइन किया जा सके. तो इसके लिए ए इक्वल टू बी स्टार सी सेमीकोलन लिख देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द प्रोग्राम परफॉर्म्स ए सैंपल पेरोल कैलकुलेशन. तो एक ऐसा स्टेटमेंट लिखना है जो हमें जब प्रोग्राम रीड कर रहे हैं तो ये दिखाए कि दिस इज ए प्रोग्राम पर दैट परफॉर्म्स ए सैंपल पेरोल कैलकुलेशन. ये जो डॉक्यूमेंटेशन में काम में आता है वो लिखना है. तो हम एक कमेंट लिख देंगे. कमेंट में लिख देंगे प्रोग्राम परफॉर्म्स ए सैंपल पेरोल कैलकुलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट थ्री इंटीजर्स इंटीजर वैल्यूज फ्रॉम कीबोर्ड एंड प्लेस देम इन इंटीजर वेरिएबल ए बी एंड सी. कीबोर्ड से तीन वैल्यूज देनी है और वो तीनों इंटीजर वैल्यूज पहली वैल्यू ए में दूसरी बी में और तीसरी सी में स्टोर हो जाए. तो इसके लिए हम एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिख देंगे जिसमें तीन कन्वर्जन स्पेसिफायर परसेंटेज डी होंगे एम परसेंट ए एम परसेंट सी बी एंड एम परसेंट सी. ये तीनों फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर्ग्यूमेंट्स के रूप में लिख देंगे. नेक्स्ट है इनमें से गलत या सही सेंटेंस बताना है और यदि गलत है तो कारण बताना है कि सही क्या है और ये गलत क्यों है. सी ऑपरेटर्स आर इवेल्युएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सी में जो भी ऑपरेटर होते हैं जो भी संकारक होते हैं उन्हें पहले बाईं तरफ बाद में दाईं तरफ बाईं तरफ से जाए दाईं तरफ मतलब लेफ्ट से राइट जाते हुए इवेल्युएट करना पड़ता है कैलकुलेशन करनी होती है मतलब की जाती है. तो ये सेंटेंस गलत है फॉल्स है असत्य है. इसका कारण सी प्रोग्रामिंग में कई तरह के बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवाइड और रिमाइंडर मतलब शेषफल. इनको राइट टू लेफ्ट नहीं लेफ्ट टू राइट किया जाता है लेफ्ट टू राइट इनकी कैलकुलेशन की जाती है लेकिन वो तब जब सेम प्रेफरेंस वाले रिपीट हों. जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रेफरेंस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड से कम है यदि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड आ गए तो पहले उनको कैलकुलेट किया जाएगा उसके बाद में प्लस और माइनस को. यदि हाँ सेम तरह के आ गए तब लेफ्ट टू राइट होता है लेकिन यदि डिफरेंट तरह के आ गए तो लेफ्ट टू राइट नहीं होगा. उसके अलावा जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर है उसको राइट टू लेफ्ट असाइन किया ऑपरेट किया जाता है. और इसी तरह से और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जो अलग अलग तरह से ऑपरेट होते हैं. हम क्लियरली नहीं कह सकते कि लेफ्ट टू राइट ही होगा वो डिपेंड करेगा कौन सा ऑपरेटर है उसके अनुसार. नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग आर ऑल वैलिड वेरिएबल नेम्स. ये आगे जो लिखे हुए हैं वो सारे वैलिड वेरिएबल नेम्स हैं. यस ट्रू ये इस कथन सत्य है. ये जो आगे लिखे हुए हैं ये सारे वैलिड वेरिएबल नेम्स हैं क्योंकि वैलिड वेरिएबल नेम्स में अल्फ़ाबेट आ सकते हैं अंडरस्कोर आ सकते हैं डिजिट्स आ सकती हैं. इसके अलावा कोई भी वैलिड वेरिएबल नेम है उसकी स्टार्टिंग किसी अल्फ़ाबेट से होनी चाहिए या अंडरस्कोर से होनी चाहिए जैसा कि ऊपर हो रहा है क्योंकि ऊपर जो वेरिएबल नेम्स हैं उनमें अंडरस्कोर बाद में अंडर बाद में अंडरस्कोर बाद में बार अंडरस्कोर ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है. दूसरा एम से स्टार्ट हो रहा है वेरिएबल वैलिड है. तीसरा टी से स्टार्ट हो रहा है चौथा जे से. नेक्स्ट हर अंडरस्कोर सेल्स तो ये भी वैलिड हो गया. नेक्स्ट हर अंडरस्कोर अकाउंट अंडरस्कोर टोटल तो ये भी वैलिड है. आगे ए बी सी ये भी वैलिड है जेड वैलिड है जेड टू भी वैलिड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेटमेंट प्रिंट एफ डबल कोट्स में ए इक्वल टू फाइव सेमीकोलन और प्रिंट एफ स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट. कि ये जो लिखा हुआ है प्रिंट एफ कोटेशन में ए इक्वल टू फाइव सेमी कॉलन ये
एक असाइनमेंट स्टेटमेंट का परफेक्ट असाइनमेंट स्टेटमेंट है, क्या ये कथन सही है? तो नहीं, ये कथन गलत है, क्योंकि प्रिंट एफ स्टेटमेंट में जो कुछ लिखा है वो एग्जीक्यूशन टाइम वैसा का वैसा प्रिंट होगा। यहाँ ये भी रिक्वायर्ड नहीं है कि ए एक कोई इंटीजर या किस तरह का डाटा टाइप हो, ए वेरिएबल हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। ये एक कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग है जो वैसी वैसी प्रिंट हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर कोई किसी तरह का असाइनमेंट नहीं होगा और ये वैसा का वैसा प्रिंट हो जाएगा। ए वैलिड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग नो पैरेंथेसिस इज एवलेटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें कोई भी कोष्टक नहीं दिया गया, छोटा कोष्टक नहीं है, तो उसको लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट किया जाता है, उसकी गणना की जाती है। ये कथन ऐसे है, फॉल्स है, गलत है, क्योंकि विदाउट पैरेंथेसिस भी प्रेसिडेंस पे डिपेंड करता है, इनकी वरीयता पे डिपेंड करता है। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, उनसे पहले मल्टीप्लाई डिवाइड या रिमाइंडर को ऑपरेट किया जाता है, उसके बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन को किया जाता है। यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सभी इनवैलिड वेरिएबल नेम हैं, जो वेरिएबल नेम लिखे हैं 3G87 67 S2 S2 2 and 2H। तो ये कथन भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक वैलिड वेरिएबल नेम है और वो है H22, बाकी सब इनवैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे या जब हम कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तो कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो आउटपुट देंगे? तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हैं और ये मान लिया है कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो इनका आउटपुट क्या होगा? तो पहला स्टेटमेंट है प्रिंट है परसेंटेज d, x की वैल्यू प्रिंट हो जाए तो ये 2 प्रिंट करेगा। नेक्स्ट वाला x प्लस x प्रिंट करेगा, मतलब 4 प्रिंट करेगा। ये नेक्स्ट सेंटेंस है जो x इक्वल टू प्रिंट करेगा, ये कोई वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग है। नेक्स्ट x इक्वल टू 2 प्रिंट करेगा। उसके नेक्स्ट है जो 5 स्पेस इक्वल टू स्पेस 5 प्रिंट कर देगा, क्योंकि एक में x प्लस y प्रिंट हो रहा है, एक जगह y प्लस x दोनों ही 5 होंगे। z इक्वल टू x प्लस y ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि ये कैलकुलेशन का पार्ट है। नेक्स्ट स्कैन एफ स्टेटमेंट है जो x और y की वैल्यू रीड कर रहा है, ये भी कुछ प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि ये रीड करने के लिए। नेक्स्ट एक कमेंट है तो कमेंट भी कुछ प्रिंट नहीं करेगा। उसके बाद में प्रिंट एफ में न्यू लाइन है तो ये प्रिंट न्यू लाइन में ले जाएगा कर्सर को, डिस्प्ले में कुछ नहीं आएगा। आगे है कि चार स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनमें वो कौन से स्टेटमेंट्स हैं जिसमें किसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी। तो पहला स्कैन एप है, दूसरा एक कैलकुलेशन है, बाकी दो प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं। तो पहले में वेरिएबल बी सी डी ई और एफ की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि स्कैन एप है तो जो भी कीबोर्ड से वैल्यूज डालेंगे वो बी पहली वैल्यू बी में, दूसरी सी में, तीसरी डी में, चौथी एम ई में और पाँचवीं एफ में स्टोर हो जाएगी। इनकी पुरानी वैल्यू को डिलीट कर देगा, पुरानी वैल्यू हटा दी जाएगी और नई वैल्यू उसमें स्टोर हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर है तो उसमें आई जे के की वैल्यू रीड की जाएगी और जो भी इनका एडिशन आ रहा है वो पी को असाइन किया जाएगा, मतलब पी की पुरानी वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी, पुरानी वैल्यू ये भूल जाएगा। आगे वाले दो स्टेटमेंट्स हैं उनमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, कोई भी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब एक ऐसा सी प्रोग्राम लिखना है जो यूजर को कहे कि दो नंबर इनपुट में दो, और मतलब वो प्रिंट करे एंटर टू नंबर्स, और जो भी नंबर इनपुट किए जाएं कि यूजर द्वारा तो ये उनका सम मतलब एडिशन, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका डिफरेंस मतलब बाकी घटाना, और उनका क्वेश्चन मतलब उनको डिवाइड किया जाए भागफल, और उनका रिमाइंडर प्रिंट कर दे। तो एक छोटा सा सी प्रोग्राम है जो दो वेरिएबल नम वन और नम टू को रीड कर रहा है, बाद में प्रॉम्प्ट कर रहा है गिव टू इंटीजर्स, या एंटर टू इंटीजर्स लिखना चाहिए था, एंटर टू नंबर लिखना चाहिए था। तो जैसा प्रॉम्प्ट करेगा जो भी नंबर देंगे वो पहला नंबर नम वन में, दूसरा नम टू में स्टोर हो जाएगा। बाद में सम इक्वल टू उन दोनों का समेशन, प्रोडक्ट इक्वल टू उन दोनों का प्रोडक्ट, डिफरेंस इक्वल टू उन दोनों का डिफरेंस, कोटेशन इज इक्वल टू उन दोनों का डिवाइड, रिमाइंडर इक्वल टू रिमाइंडर प्रिंट कर देगा। आगे है
एक प्रोग्राम मतलब एक स्टेटमेंट लिखना है, प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखना है, जो एक ही प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखना है जो 1 2 4 प्रिंट कर दे। तो पहला है एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखना, सिंगल प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखना है। मैं कोई कन्वर्जन स्पेसिफायर नहीं हूँ, मतलब कन्वर्जन स्पेसिफायर का मतलब उसमें परसेंटेज डी या परसेंटेज एफ जैसा कुछ नहीं लिखा हो उनके फॉर्मेट कंट्रोल स्ट्रिंग में। तो और दूसरा है एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखना है जिसमें कन्वर्जन, चार कन्वर्जन स्पेसिफायर्स हों, 1 2 3 4 के लिए मैं ऑब्वियसली 4% डी होंगे। और तीसरा लिखना है जिसमें चार प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स हों। तो कई तरह से लिख सकते हैं, पहला जैसे आंसर्स हैं, पहले मैं प्रिंट एफ में फॉर्मेट कंट्रोल स्ट्रिंग में ही 1 2 3 4 लिख दिया है, दूसरे में फॉर्मेट कंट्रोल स्ट्रिंग में परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी 4 बार लिख दिया, और बाद में आर्ग्यूमेंट्स में 1 2 3 4 लिख दिया, तीसरे में हम पहले वाले को भी 4 हिस्सों में कर लिख सकते थे, इसको लिख दिया सीधा कन्वर्जन स्पेसिफायर और एज आर्ग्यूमेंट इंटीजर्स को लिख के 4 प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिख दिया। ये एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसका आउटपुट क्या होगा? प्रिंट एफ स्टार बैकस्लैशन डबल स्टार बैकस्लैशन ट्रिपल स्टार बैकस्लैशन 4 टाइम्स स्टार बैकस्लैशन 5 टाइम्स स्टार बैकस्लैशन, तो इसका आउटपुट क्या होगा? तो इसका आउटपुट एक ट्राइंगल शेप में स्टार्स का कॉम्बिनेशन होगा, जिसमें पहली लाइन में एक स्टार आएगा, दूसरे में दो, तीसरे में तीन, चौथे में 4, पाँच में 5।